जयशंकर की दोस्तों, मैं हूँ रिंकी पराशर और आज मैं आई हूँ श्री महादेव कावर संघ पावन धाम बगीची में, जो कि जैतो में है, पंजाब में। और इन टंकियों में रखा हुआ है हरिद्वार से लाया हुआ गंगा जल। यहाँ पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के ऊपर अखंड गंगा जल की धारा चलती है। आज मैं अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने जा रही हूँ। श्रावण मास में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आइए आप भी शामिल होइए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ओम नमः शिवाय। पूजा प्रारंभ हो गई है और सबसे पहले शिव परिवार की पूजा। पुत्रासो जद्रमितारो शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु ब्रजाभ्यो अयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहम जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्याना सदत्स्वकः सुभद्रिका कम्पीलवासिनीं मा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब इस समय हो रहा है संकल्प। पंजाब क्षेत्र फरीदकोट मंडलांतर्गत जैतो नाम नगरे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तमे मासे अद्य श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और इस महीने अगर हम भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, आराधना करें। विघ्न निवारणाय मनोकामना सिद्धिं हेतु शिवलिंगोपरि अविसि गंगा जल द्वारा अविसृतरणार्थं ये तीनों हैं पंडित जी, अर्थात मेरे पति देव के शिष्य, तो ये भी हमारी फैमिली हैं और इसीलिए ये भी पूजा में शामिल हैं। स्वराय वरदाय स्वराप्रियाय लम्बोदराय सखाय जगदम्बिताय नारायणाय सुतिरथाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। महाराज की जय। शिवे सर्वद साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तु।
महादेवै शिवायै सततं नमः नमः वृगत्रे भद्रायै नियतावृणतात्मकान् नित्यवृषां करिषिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपगहे श्रियाम् कुमार्ता सुमिता मया निवेदिता भक्ता ग्रहारामेश्वरा माल्यादीन सुगन्धिनी मालिकादीन वैष्णवो मय हर्तान् पद्मा पूजार्थं प्रतिलीयताम् अब शुरू होने जा रहा है रुद्राभिषेक। सबसे पहले भोले बाबा को स्नान और अब ये पंचामृत से स्नान करवाया जा रहा है। ये हैं शास्त्री जी, बेटा अर्पित, ये है रोहित पंडित जी, ये है पूरब पंडित जी और साथ में है नवीन पंडित जी। तो ये पांचों जनों की टीम है। शास्त्री जी के सभी शिष्य भी उन्हीं की तरह से विद्वान हैं और बड़े ही ऊंचे स्वर में मंत्र बोलते हैं। ये तीनों भी हमारे परिवार की तरह ही हैं। जैसे हम अर्पित आयुष को प्यार करते हैं, वैसे ही इन तीनों को भी बहुत प्यार करते हैं। और अब प्रारंभ होता है रुद्राभिषेक। वैसे तो इसमें बहुत समय लगता है, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन मैं इतना बड़ा अपने ब्लॉग में दिखा नहीं सकती, तो आपको इसकी कुछ झलकियां ही मैं दिखा रही हूँ। तेन देवा आयजंत सा त्यागी गाय चजे जदुर्गम जात हो कथिता व्यगलवयन्नाम गंगिमस्यासि किमोरोपादौ चेते ब्राह्मणो जमगमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ऊरु तदशिजदस्यः पदव्यागं सूत्रो मनसो जातक्षो सूर्यो जायता स्रोत्रा त्वायज प्राण चमुखादग्निर्जायता नाभ्याचीदन्तर्क्षपुंसिष्णो समवर्तता पदव्यां भौमिलितः स्रोत्रा ततः लोकानकल्पयन्ना यत्पुरुकेणाभिगा देवा चन्द्रमतन्पदा वसन्तो सीता जङ्घ्रीकमहासारथभिः सप्तास्यादन् परिदास्त्रिः सप्तसमिता कृताः देवा ेदा
तो ये था रुद्राभिषेक और हम अपने साथ साथ पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि सभी की सारी मनोकामनाएं भोले बाबा पूर्ण करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और भोलेनाथ की कृपा सदा सब पर बनी रहे। और रुद्राभिषेक के बाद अंत में भोले बाबा की आरती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। भोले बाबा ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।